सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रसोई चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल ही फ्री है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंडियन रसोई चैनल। आज मैं आपको इडली कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाली हूँ। ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकता है। ये साउथ इंडियन की बिल्कुल ही फेमस डिश है। अगर आपको आज इडली बनानी हो तो आपको इस बैटर की तैयारी एक दिन पहले करनी पड़ती। अगर आपको झटपट इडली रेसिपी चाहिए तो आप रवा इडली बना सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि इडली कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस प्रकार इडली का बैटर बना लिया है। इडली का बैटर बनाने के लिए एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। ये कैसे बनाते हैं मैं आपको इसका फ्लैशबैक दिखाती हूँ। इडली का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था एक ग्लास उकड़ा चावल, एक ग्लास सस्ता वाला चावल, एक ग्लास बिना छिलके वाला उड़द दाल, आधा चम्मच मेथी के दाने। इडली का बैटर बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए, अगर दो ग्लास चावल हो गए तो एक ग्लास उड़द की दाल लीजिए। मैंने इस प्रकार मेजरमेंट लिया है। सबसे पहले हम चावल को धो लेते हैं। अब मैं दूसरे चावल को धोती हूँ, ये सस्ते वाले चावल है। मैं इसमें मेथी के दाने डालती हूँ। अब मैं उड़द की दाल को धो लेती हूँ। अब ये दाल चावल को एक 10 घंटे के लिए भीगने दीजिए। दस घंटे हो चुके, हमारी दाल और चावल अच्छे से भीग चुके हैं। अब मैं इन तीनों को मिक्सर में बारीक पेस्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं चावल को बारीक कर लेती हूँ। एक बात का ख्याल रखिए कि इडली बनाते समय ये जो पेस्ट है इसे बिल्कुल ही बारीक नहीं करने का, हमें इसका दरदरा पेस्ट बना लेने का है। मैं इसमें थोड़ा पानी डाला है, अब मैं इसे बारीक कर लेती हूँ। अब मैं इसे एक पतीले में निकाल लेती हूँ। मैंने इसका थोड़ा दरदरा पेस्ट बना लिया है। इसी प्रकार हमें दाल और चावल को निकाल लेने का है मिक्सर में से। ये देखिए, मैंने इस प्रकार इसकी पेस्ट बना लिए। आपको याद होगा मैंने दो प्रकार के चावल लेते, अब मैं दूसरे चावल को भी इस प्रकार मिक्सर में से बारीक कर लूँगी और इसी पतीले में इसको ऐड करूँगी। इसमें मैंने मेथी डाली हुई थी। पेस्ट बनाते समय इसमें थोड़ा पानी डालिए ताकि पेस्ट बनाते समय आसानी हो जाए। ये देखिए, मैंने इसका भी थोड़ा दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे इस पतीले में ऐड कर लेती हूँ। मैंने बिना छिलके वाली उड़द की दाल ली थी, इसको भी मैं मिक्सर में से बारीक कर लेती हूँ। उड़द की दाल को भी इसी पतीले में ऐड कीजिए जिसने मैंने चावल निकाल लिया था। ये देखें, मैंने सब उड़द की दाल को बारीक कर लिया है।
अभी मैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस प्रकार इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है। हमें इस बैटर को एक 8-10 घंटे तक ऐसे ही रख देने का है ताकि जो बैटर है अच्छे से फूल जाए। आप इसी बैटर से डोसा भी बना सकते हैं, पर इस बात का ख्याल रखिए कि डोसा बनाते समय ये जो मैंने थोड़ा दरदरा पेस्ट बनाया है इसकी जगह आप बिल्कुल ही बारीक सा पेस्ट बना लीजिए ताकि जो डोसा है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए 8-10 घंटे हो चुके हैं, हमारा इडली का बैटर कितने अच्छे से फूल चुका है। अब हम इससे इडली बना सकते हैं। आपने देख लिया कि इडली का बैटर कैसे बनाते हैं। अब हम इसी बैटर से इडली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए बैटर कितना अच्छा फूल चुका है। ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा है, मैं इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ। मैं इसमें नमक डालती हूँ। इसे एक बार फिर से अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार ये बैटर बन चुका है। तब तक हम इडली के बर्तन में पानी गर्म करने को रख देते हैं। मैंने गैस को ऑन कर दिया, अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। इसके ऊपर मैं ढक्कन रख देती हूँ। पानी गर्म हो जाने तक मैं जो इडली का स्टैंड है उसे तेल लगा लेती हूँ। मैं इडली को स्टैंड को तेल लगा लेती हूँ इस बर्तन को। अब मैं इस बैटर को इसके अंदर डालती हूँ। अब मैं ढक्कन हटा लेती हूँ। ये देखिए पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इस इडली को स्टैंड के अंदर रख देती हूँ। ढक्कन लगा लेती हूँ। इडली बनाने के लिए हमें एक लगभग 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ। ये देखिए हमारी इडली बन चुकी है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसे एक और 5 मिनट के लिए मैं ठंडा होने देती हूँ और इसके बाद इसे निकाल लूँगी। ठंडा हो चुका है, अब मैं इडली को निकाल लेती हूँ। मैं इसी प्रकार और इडली बना लेती हूँ। फिर से मैं इसमें थोड़ा तेल डाल रही हूँ। तेल लगा लिया है, अब मैं इडली का बैटर इसके अंदर डालती हूँ। अब मैं इसे इडली के स्टैंड में रख देती हूँ। इसे भी 1-15 मिनट के लिए रख देने का है। ढक्कन लगा लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हमने सीख लिया कि इडली कैसे बनाते हैं
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।